नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 17 नवंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शराबबंदी पर सीएम नीतीश ने की समीक्षा बैठक। बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर शुल्क तय। नियमों का उल्लंघन करने पर अब आपका ऑनलाइन कटेगा चालान। फर्जी तरीके से बने मास्टर जी पर होगी कार्रवाई। T20 वर्ल्ड कप 2022 के कार्यक्रम का हुआ ऐलान। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर शुल्क तय। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रूपए, मुख्य परीक्षा के लिए 750 रूपए, अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रूपए, मुख्य परीक्षा के लिए 200 रूपए, राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के हो उनके लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए 600 रूपए और मुख्य परीक्षा के लिए 750 रूपए। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा के लिए सामान्य वर्ग, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए 540 रूपए, मुख्य परीक्षा के लिए 675 रूपए, अनुसूचित जाति जनजाति महिला उम्मीदवार के लिए 135 रूपए और मुख्य परीक्षा के लिए 160 रूपए, राज्य के बाहर के उम्मीदवार के लिए 540 और 675 रूपए मुख्य परीक्षा के लिए देने होंगे। बिहार तकनीक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा के लिए सामान्य वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 540 और 675 रूपए, अनुसूचित जाति जनजाति महिला उम्मीदवारों के लिए 135 और 180 रूपए, राज्य के बाहर के उम्मीदवारों के लिए 540 और 675 रूपए लगेंगे। पहचान में हम बात करेंगे दुलारी देवी की। दुलारी देवी एक भारतीय कलाकार और चित्रकार हैं जो मिथिला कला परंपरा में काम करती हैं। 2021 में उन्हें कला में अपने योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। देवी भारत में बिहार राज्य के रांटी गांव की रहने वाली हैं और उनका जन्म हाशिए की दलित मल्लाह जाति में हुआ था। 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की और मधुबनी शैली में चित्रकारी और चित्रण करना सीखा। जब वो मधुबनी कलाकार महासुंदरी देवी के घर में घरेलू नौकर के रूप में काम कर रही थी, महासुंदरी देवी ने उन्हें एक अन्य कलाकार कर्पूरी देवी से मिलवाया, जिन्होंने दुलारी देवी मधुबनी कला और तकनीक भी उनको सिखाई थी। शराबबंदी पर सीएम नीतीश ने की समीक्षा बैठक। बीते दिन चारों ओर से शराबबंदी पर घिरी बिहार सरकार ने सीएम नीतीश की अध्यक्षता में बैठक की। इस दौरान सीएम नीतीश ने सभी जिलों के मंत्रियों और अधिकारियों से 7 घंटे की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बातचीत की और कई आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और डीजीपी एसके सिंघल ने बताया कि शराब मिलने पर थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया जाएगा। शराब मिलने की जानकारी चौकीदार ने नहीं दी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। होम डिलीवरी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की समीक्षा बैठक कितनी कारगर साबित होती है। बिहार में किसानों और पैक्सों में मिलेगा बिना ब्याज का लोन। बिहार में किसानों को ब्याज रहित ऋण देने की तैयारी हो रही है। ये वैसे किसान हैं जो बाढ़, सुखाड़ आदि बारिश या बेमौसम बरसात के कारण फसल का नुकसान झेल चुके हैं। इतना ही नहीं, बिहार सरकार ने अब प्राथमिक कृषि साख समितियों को भी 0% ब्याज पर ऋण की सुविधा देने की बात कही है। इससे बिहार भर के किसानों, सहकारी समितियों, डेयरी और मछली व्यवसाय से जुड़े लोगों को कई तरह की सहूलियत मिलेगी। यह व्यवस्था लागू हो जाने से बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में सहकारिता क्षेत्र में बदलाव होगा। साथ ही बैंकों पर किसानों की निर्भरता खत्म होगी। वहीं महाजनों, सुदखोरों से भी किसानों को निजात मिलेगी। प्रस्तावित योजना से छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ बटाईदारों के लिए भी मददगार साबित होने की उम्मीद जगी है। आज से शुरू होगा बिहार पुलिस चालक का फिजिकल टेस्ट। बिहार पुलिस खुद की क्षमता को बढ़ाने के लिए लगातार पुलिस कर्मियों की बहाली का काम कर रही है। वर्तमान समय की बात करें तो बिहार पुलिस के चालक सिपाही के 1722 पदों के लिए शारीरिक दक्षता जांच आज से शुरू होने वाली है। यह शारीरिक दक्षता जांच 25 नवंबर 2021 तक निर्धारित की गई है, जिसमें हर दिन लगभग 1000 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता की जांच की जाएगी। राजधानी पटना के गर्दनीबाग उच्च विद्यालय के प्रांगण में शारीरिक दक्षता जांच हो रही है। फिजिकल टेस्ट के अंतर्गत अभ्यर्थियों को दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंकना, ऊंचाई और सीना माप की जांच की जा रही है। यह चयन प्रक्रिया केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बोर्ड बिहार पटना द्वारा कराई जा रही है। बारिश के साथ ठंड का होगा आगाज। बिहार में इन दिनों दिन और रात के तापमान में धीरे धीरे गिरावट हो रही है, लेकिन ठंड का ज्यादा असर 25 नवंबर के बाद से होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें बारिश का बड़ा हाथ होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक अगले 48 घंटे के दौरान मौसम शुष्क रहने के साथ ही न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक एक ट्रफ लाइन तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल होकर गुजर रही है, जिसके कारण राज्य में पूर्वी हवा का प्रवाह बढ़ा है। इन कारणों से ही 19 से
25 नवंबर के बीच दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी के आसार है। मौसम विज्ञानों की माने तो बारिश होने के बाद से तापमान तेजी से लुढ़केगा। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक भी पट पट बोलेंगे अंग्रेजी। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों की पढ़ाई व्यवस्था को देखकर आप भी सवाल जरूर पूछेंगे कि आखिर देश के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों। लेकिन राहत की बात यह है कि भले ही बिहार सरकार कई मायनों में विफल रही हो, लेकिन फिर भी कोशिश निरंतर जारी है ताकि स्कूल और छात्र दोनों की स्थिति में सुधार हो सके। इसी कड़ी में एक सकारात्मक कदम सरकार ने अब उठाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत ही बिहार में प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में एक सत्र 3 घंटे का होगा। प्रशिक्षित शिक्षक अपने क्लासरूम में बच्चों को अंग्रेजी दक्षता लाने और अपनी मातृभाषा में अंग्रेजी बोलने सीखने का ज्ञान देंगे। पहले से 8वीं कक्षा तक के शिक्षकों को स्पोकन इंग्लिश का प्रशिक्षण दिलाने के लिए SCERT, लिप फॉर वर्ड और मेरिको लिमिटेड के बीच MOU पर करार भी हो गया है। शुरू हुआ नवनियुक्त DSP का बुनियादी प्रशिक्षण। बिहार पुलिस अकादमी में बीते दिन से नवनियुक्त DSP का बुनियादी प्रशिक्षण शुरू हो गया है। या तो BPSC के जरिए बिहार पुलिस को 40 नए DSP मिले हैं, जिसमें 26 पुरुष पदाधिकारी और 14 महिला पदाधिकारी शामिल हैं, जिनमें से 32 ने अपना योगदान समर्पित कर दिया है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सभी 329 नियुक्त पुलिस उप अधीक्षकों में से 16 इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के हैं और 14 नवनियुक्त पुलिस उपाधीक्षक विभिन्न सेवाओं को छोड़कर बिहार पुलिस सेवा में योगदान कर रहे हैं। इन सभी नवनियुक्त पुलिस उप अधीक्षक को बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु मंगलवार को बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में योगदान देने का निर्देश दिया गया था। बिहार के मधुबनी जिले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मधुबनी मिथिला संस्कृति का अंग है और केंद्र बिंदु है। रामायण में इस शहर का उल्लेख मिलता है। ये शहर अपनी शानदार मधुबनी पेंटिंग के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। आपको बता दें कि सुपौल और सीतामढ़ी मधुबनी के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में से एक है। पर्यटक भारी संख्या में मधुबनी घूमने आते हैं। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में सौराज, जयनगर, कपिलेश्वरनाथ, झंझरपुर, भवानीपुर और फुल्लहार शामिल है। नियमों का उल्लंघन करने पर अब आपका ऑनलाइन कटेगा चालान। सड़कों पर बिना नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाने वालों के लिए अहम सूचना, क्योंकि अब मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन पर ऑनलाइन भी चालान जमा किया जा सकेगा। इसको लेकर परिवहन विभाग ने ऑनलाइन ई चालान की व्यवस्था की है। बता दें कि एक समीक्षा बैठक के दौरान परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने ऑनलाइन ई चालान को लेकर परिवहन विभाग को निर्देश दिए थे। अब वाहन के मालिक परिवहन विभाग की वेबसाइट पर आराम से घर बैठे चालान की राशि जमा कर सकेंगे, यानी कि अब ई चालान कटने पर जुर्माने की राशि कहीं से भी घर बैठे बैठे आसानी से ऑनलाइन जमा की जा सकेगी। इसके लिए आपको echalan.parivahan.gov.in पर जाना होगा। पटना के होटल की जारी हुई रैंकिंग। अगर आप भी खाने के शौकीन हैं और अलग अलग रेस्टोरेंट में खाने अक्सर जाया करते हैं, तो आपके लिए हमारी ये खबर कुछ खास है, क्योंकि राजधानी पटना के सभी रेस्टोरेंट में भोजन के लिए और हाइजीन के लिए रैंकिंग जारी कर दी गई है, जो कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने की है। जिसके तहत राजधानी के पाटलिपुत्र पटना होटल को 5-स्टार रैंकिंग मिली है, तो वहीं गुणवत्ता के मामले में इससे एक्सीलेंट कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा एक्सीलेंट कैटेगरी में पटना के लेमन ट्री प्रीमियम को भी रखा गया है, जबकि पटना के होटल मौर्य को 3-स्टार रेटिंग के साथ गुणवत्ता के पैमाने पर गुड कैटेगरी हासिल हुई है। इसको लेकर FSSI की राइट मुहिम के तहत कुछ महीने पहले केंद्रीय टीम ने एजेंसी की टीम के साथ होटल रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया था, जिसके बाद ही अब यह रिपोर्ट कार्ड जारी हुई है। फर्जी तरीके से बने मास्टर जी पर होगी कार्रवाई। बिहार में फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षक की नौकरी पाने वाले और उनकी धांधली में मदद करने वाले नियोजन संस्था से जुड़े 1700 लोगों पर अभी प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है, जो कि निगरानी ब्यूरो ने करवाया है। वहीं कुल प्राथमिकी की संख्या 600 के पार हो गई है। सितंबर 2021 तक के आंकड़ों को देखें तो 6 साल में हर दूसरे दिन फर्जी दस्तावेज मामले से संबंधित पक्षों में FIR दर्ज करने का काम किया गया है। ये FIR उन शिक्षकों पर किया गया है जिन्होंने चयन के लिए फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया था। बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल DET डेट घोषित। बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती 2021 के लिए ड्राइवर एफिशिएंसी टेस्ट की तारीख की घोषणा कर दी गई है। इसको लेकर CSBC की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर इसको लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है। जारी नोटिस के अनुसार बिहार पुलिस में ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती DET का आयोजन 8 दिसंबर 2021 को किया जाएगा। वहीं बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल DET 2021 एडमिट कार्ड को 30 नवंबर को जारी किया जाएगा, जो कि उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई समस्या आए तो अभ्यर्थी CSBC कार्यालय से 3 और 4 दिसंबर 2021 को संपर्क कर सकते हैं।
पटना मेट्रो के लिए बनाए जाएंगे 24 स्टेशन। पटना मेट्रो रेल का काम इन दिनों जोर शोर से किया जा रहा है, जिसके बाद अब यही उम्मीद जताई जा रही है कि मेट्रो का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि मेट्रो डिपो की भूमि की समस्या दूर होने के बाद अब आर्थिक मोर्चे पर भी मेट्रो के पास प्रस्ताव आ रहे हैं। सूत्रों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार एडीबी के अधिकारियों ने इस बाबत पटना मेट्रो के वरीय पदाधिकारियों से मुलाकात कर ली है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ मेट्रो निर्माण के ऋण के लिए पहले ही करार हो चुका है, मगर अभी राशि जारी नहीं हुई है। इसमें 24 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिस पर 13,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की जाएगी। एनडीए के 19 लाख रोजगार के वादे पर बोले पूर्व मंत्री प्रेम कुमार, बिहार में एनडीए सरकार को 1 साल पूरा हो गया है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिनवाने से थक नहीं रहा है, तो विपक्ष सरकार पर आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रही है। ऐसा ही मंजर देखने को मिला बीते दिन भी, जब पूर्व मंत्री प्रेम कुमार से पूछा गया कि एनडीए में युवाओं को 19 लाख रोजगार देने का जो वादा किया था उसका क्या हुआ। इस सवाल का जवाब देते हुए प्रेम कुमार ने कहा कि एनडीए सरकार ने 1 साल में बेहतरीन काम किया है, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में एनडीए सरकार रोजगार की दिशा में और कई कदम उठा सकती है। बिहार के हजारों शिक्षकों पर हो सकती है कार्रवाई। बिहार के हजारों शिक्षकों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है, क्योंकि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि सूबे के 5,667 स्कूलों में शिक्षक ड्यूटी से नदारद रहते हैं। अब वैसे ही शिक्षकों पर सरकार कार्रवाई करते हुए वेतन में कटौती करेगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने बच्चों के मूल्यांकन सर्वे में अनुपस्थित रहे शिक्षकों की रिपोर्ट जिलों से मांगी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से 12 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर पर यह सर्वेक्षण करवाया गया था, हालांकि कुछ कारणों से 60 विद्यालयों को सर्वे में शामिल नहीं किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार कराई गई जिलेवार रिपोर्ट में सर्वे से जुड़े स्कूलों के 1,70,875 बच्चे शामिल हुए, जिनकी मूल्यांकन रिपोर्ट अप्रैल में केंद्र सरकार की तरफ से जारी की जाएगी। रिटायर्ड जजों ने अब तक नहीं खाली किया है सरकारी आवास। नौकरी के साथ सुविधाओं का भंडार आपको मिलता है, लेकिन तभी तक जब तक आप सरकारी सेवा में लगे हैं, क्योंकि उसके बाद आपको सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। वैसे तो यह नियम ही है, लेकिन इस नियम से इत्तेफाक बिहार के रिटायर्ड जज नहीं रखते हैं। यही कारण है कि पटना हाईकोर्ट के बार बार आदेश के बावजूद रिटायर्ड जजों ने सरकारी आवास खाली नहीं किया है। इसी को लेकर बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने एक बार फिर से सेवानिवृत्त होने के कई महीनों बाद भी अपने सरकारी आवास खाली नहीं करने के मामले में सुनवाई की। इस दौरान अधिवक्ता दिनेश कुमार की जनहित याचिका पर जस्टिस राजन गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। ज्ञात हो जिन जजों ने अब तक अपना आवास खाली नहीं किया है उसमें पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस दिनेश कुमार सिंह, जस्टिस अंजना मिश्रा, जस्टिस पीसी जायसवाल और जस्टिस ए के त्रिवेदी का नाम शामिल है। तेजस्वी ने सरकार से पूछे 15 सवाल। बिहार में सीएम नीतीश के नए कार्यकाल को बीते दिन 1 साल पूरा हुआ, जिसके तहत जहां एक तरफ सरकार कई मुद्दों पर वाहवाही की पात्र रही, तो कई मुद्दों को लेकर यह सफर चुनौतीपूर्ण रहा, जिसमें से एक शराबबंदी कानून है जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बीते दिन सवालों की बौछार लगा दी, जिसमें उन्होंने शराबबंदी को लेकर कुल मिलाकर 15 सवाल पूछे। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, दिखावटी समीक्षा बैठक से पूर्व आपको गहन आत्मचिंतन, मनन और मंथन की जरूरत है। तब तक आप स्वयं की तथा खुलेआम से शासन प्रशासन की गलतियां स्वीकार नहीं करेंगे। तब तक ये बैठक और शराबबंदी अन्य दिनों की भांति सामान्य रूप से चलती रहेगी और इनका कोई अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आएगा। 24 नवंबर को बेमिसाल 16 साल के लिए जदयू करेगा भव्य कार्यक्रम। बिहार में जदयू की सत्ता में अपने 16 साल पूरे कर लिए हैं। इसको लेकर सत्ताधारी पार्टी जदयू 24 नवंबर को पूरे प्रदेश में जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जानकारी साझा की है। साथ ही कहा है कि मुख्यालय स्तर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और बड़े पदाधिकारी शामिल होंगे, तो वहीं जिला स्तर पर भी कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रभारी मंत्री के साथ पार्टी के नेता भी मौजूद रहेंगे। वहीं आयोजित कार्यक्रम के दौरान पार्टी के तरफ से सरकार के विकास कार्यों पर चर्चा होगी। इस बाबत जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि हमारे नेता पॉलिटिक्स फॉर डिफरेंस के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने राजनीति की भीड़ से अलग अपना चेहरा स्थापित किया है और अलग काम। चेहरे को आईना दिखाओ तो दोष आईने को ही देंगे, ये बातें कही है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने, क्योंकि बिहार में शराबबंदी इन दोनों नेताओं के बीच हॉट टॉपिक बनी हुई है। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है। इसी कड़ी में बीते दिन एक बार फिर से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश पर वार किया है, जिसके तहत शराबबंदी के मुद्दे पर सरकार का बिना नाम लिए ट्वीट जारी करते हुए कहा कि चेहरे को आईना दिखाओ तो दोष आईने को ही देते हैं। लालू यादव के इस ट्वीट के मायने तो साफ है कि शराबबंदी की जमीन स्तर पर हकीकत को सीएम नीतीश ने कभी खुले तौर पर स्वीकार नहीं किया, लेकिन खबरें जो आ रही हैं वो शराबबंदी की सच्चाई को उजागर कर रही हैं। बिहार में कब बनेगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरह सड़क।
बीते दिन उत्तर प्रदेश में बने 341 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, जिस पर 22,500 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है, जिसके बाद अब बिहार की राजनीति में भी ऐसी सड़क की चर्चा होने लगी है, जिसके तहत ही लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक्सप्रेसवे के नाम पर बिहार सरकार पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अब बिहार के लोग भी दिल्ली से बिहार की सीमा तक तुरंत पहुंच सकेंगे, लेकिन बिहार में ऐसी सड़क क्यों नहीं है, बिहारियों को ऐसी सड़क नसीब हो, इसके लिए नीतीश कुमार को और कितना लंबा कार्यकाल चाहिए। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। मुगल शासक बाबर ने 1525 में भारत को जीतने के मकसद से सिंध के रास्ते पांचवी बार प्रवेश किया। भारत का रीता फारिया ने 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। मिस वर्ल्ड बनने वाली वो पहली एशियाई महिला थी। रामेश्वर ठाकुर 2004 में उड़ीसा के राज्यपाल बने। अमेरिकी सीनेट ने भारत अमेरिकी परमाणु संधि को 2006 में मंजूरी दी। टीएस ठाकुर को 2009 में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। सिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ श्रीमती सरोजिनी नायडू की पुत्री पद्मजा नायडू का जन्म 1900 में आज के दिन हुआ था। अमेरिकी चिकित्सक शरीर विज्ञान या चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित स्टैनली कोहेन का जन्म 1922 में आज के दिन हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का निधन 1928 में आज के दिन हुआ था। टी20 वर्ल्ड कप 2022 के कार्यक्रम का हुआ ऐलान। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 के स्केड्यूल का ऐलान हो गया है। 16 अक्टूबर से शुरू हो रहे टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 13 नवंबर को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के कुल 7 शहरों में मैच का आयोजन किया जाएगा। फाइनल मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर होगा। 45 मैचों का यह टूर्नामेंट एडिलेड, जिलोंग, मेलबर्न, पर्थ, ब्रिस्बेन और सिडनी के मैदानों में खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल सिडनी में 9 नवंबर को और दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 10 नवंबर को एडिलेड में खेला जाना है। सुपर 12 स्टेज में मेजबान ऑस्ट्रेलिया के अलावा न्यूजीलैंड, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका पहले से ही मौजूद रहेंगे, जबकि वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, स्कॉटलैंड और नामीबिया जैसे टीमों को पहले क्वालिफाई खेलना होगा। गूगल ने बैन किए ये 7 एप्लीकेशंस। गूगल की तरफ से 7 खतरनाक एप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है, जिसमें नाउ, क्यूआर कोड स्कैन, इमोजी 1 कीबोर्ड, बैटरी चार्जिंग एनिमेशंस, बैटरी वॉलपेपर, डैजलिंग कीबोर्ड, वॉल्यूम बूस्टर, लाउडर साउंड, इक्वलाइजर, सुपर हीरो इफेक्ट, लासिक इमोजी कीबोर्ड को अनइंस्टॉल किया गया है। गूगल की तरफ से बैन किए गए 7 एप्स को सबसे कॉमन बात अगर हम ये देखें तो ये मैलवेयर अटैक के जरिए अवैध धोखाधड़ी जैसे फेक सब्सक्रिप्शन और इन ऐप परचेज ऑफर करते हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 16 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,570 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,850 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 66,400 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, ललित मिश्रा, मनीष मोहरा, राधेश्याम प्रसाद, भारत प्रसाद, गौतम कुमार, रमेश झा, सिनोद सिंह, अरुण कुमार, आजम फिरदौस, रहीश यादव, प्रेम शंकर यादव, नीरज खान, राजेश कुमार, राजीव कुमार, दलिया कुमार यादव, दीपक कुमार सिंह, विकास कुमार सिंह, अखिलेश कश्यप। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में शराबबंदी फेल है या पास? अगर फेल तो इसका जिम्मेदार कौन है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।